नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। वक्त है पहाड़ प्राइम का। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बागेश्वर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है। नगर पालिका की टीम ने अतिक्रमण को हटाया है। नगर पालिका की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा है। लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया है। 10 दुकानों पर बुलडोजर चला है, लेकिन इस दरमियान काफी मशक्कत करनी पड़ी प्रशासन को, क्योंकि लोग बुलडोजर के आके आकर के कुछ इस तरीके से खड़े हो गए जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। देहरादून से खबर है। बजट सत्र की अवधि पर सियासत शुरू हो चुकी है। हरीश रावत ने ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा है। सरकार को भरारी सैंड में फिर ठंड लग गई, ये कहते नजर आए हरीश रावत। चार दिन में ही देहरादून लौट गए, ये कहना है हरीश रावत का। तो गैरसैंड में सत्र पर अब सत्र की अवधि को लेकर के सियासत चल रही है, जिसमें चार दिन में ही देहरादून लौटने पर हरीश रावत का तंज है। कहते हैं कि सरकार को फिर से भरारी सैंड में ठंड लग गई और इसीलिए ये सत्र खत्म करके वापस लौट आए हैं, तो उनका तंज है। सरकास्टिक वे में उन्होंने कहा है कि सरकार को ठंड लगने लगी, इसीलिए देहरादून की तरफ उन्होंने रुख कर लिया। राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी में ग्रीष्म के आगाज के साथ ही सरकार भी भरारी सैन में बजट पर दो दिन चर्चा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। आगे बढ़ेंगे। गैरसैंण में हाल ही में बजट सत्र संपन्न हुआ, मगर समय से पहले ही सत्र संपन्न होने को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। ये सरकार सदन चलने से पहले 6 दिन का कार्यक्रम देती है, सदन 4 दिन में खत्म कर देती है। पिछली बार सदन का 5 दिन का समय दिया, 2 दिन में खत्म कर दिया। ये सरकार प्रदेश के प्रति इतनी ही लापरवाह है, ये चाहती ही नहीं कि सदन चले। सदन में जो मूलभूत समस्याएं हैं वो निकल कर आए, उन समस्याओं पे चर्चा हो, सरकार समाधान करे। कांग्रेस बजट सत्र पर सवाल उठा रही है, मगर भाजपा बजट की तारीफ कर रही है। सांसद निशंक ने भी बजट की तारीफ की है। पर्यटन के क्षेत्र में, जो आध्यात्म के क्षेत्र में है, चाहे विकास की दृष्टि से हो, चाहे आयुष का हो, चाहे योग का हो, ये तो आयुष आयुर्वेद का जन्मदाता है उत्तराखंड, योग का भी जन्मदाता है। पूरी दुनिया के 197 देश आज योग के पीछे खड़े होते हैं और वो उनको कितनी खुशी होगी कि हाँ, जहाँ से योग की का जन्म हुआ है, जहाँ से योग की धारा प्रभावित हुई है, उस प्रदेश में आएंगे, गंगा के प्रदेश में वो लोग आएंगे। और राज्य की जो विभिन्न, मैं देख रहा था कि जो छोटे मोटे बिंदु है उसमें भी 1,300 करोड़ रुपए से भी अधिक का प्रावधान है। उत्तराखंड में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई है, मगर अभी भी बिजली की किल्लत की खबरें सामने आ रही है। पिथौरागढ़ में कुछ बच्चे सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट और पोल के नीचे बैठ करके पढ़ाई करते नजर आए। ये बच्चे ठंड की वजह से आग जला करके पढ़ाई कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि क्षेत्र में 15 गांवों में कई दिनों से बिजली ही नहीं है। बिजली नहीं होने से छात्र छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पोल लाइट टूटने के कारण कल हम रात भर परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाए और हमने रात में सोलर लाइट के नीचे बैठ के किताब परीक्षा की तैयारी की और वो सोलर लाइट भी 12 बजे बंद हो गई, जिसके कारण हम परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाए। ये मामला संज्ञान में आया था, इसके लिए डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात की है, तो उनका कहना है कि मैं 2 दिन पहले वहाँ PWD की रोड बन रही थी, उस वजह से कुछ पोल डैमेज हुए हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, लाइट जल्दी ही रिस्टोर कर दी। खबर धारचूला से है। यहाँ मौसम का मिजाज बदल गया। ऊंचाई वाले इलाकों की बात करें तो बर्फबारी हुई है, इसके साथ निचले वाले इलाकों में बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट आई है। दरमा घाटी के पंचाचुली और तेदांग ढाकर के साथ भारत चीन बॉर्डर पर लिपुलेख, नाभीढांग और काला पानी में जमकर बर्फबारी हो रही है। तो ये दो तस्वीरें हैं जहां पर देर रात से ही बर्फबारी के बाद कैसा नजारा है, ये आपके सामने। चलिए अब आपको बड़कोट की तस्वीरें दिखाते हैं। यमुना घाटी में मौसम ने करवट ली है और यहाँ बारिश के साथ ओलावृष्टि ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारी ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हो रहा है। झमाझम बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। उत्तराखंड में बदले मौसम पर मौसम विभाग का कहना है कि 21 मार्च तक प्रदेश में बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि की संभावना है। 21 मार्च तक प्रदेश में मौसम खराब रहेगा, अधिकतर जगहों पर बारिश ओलावृष्टि रहेगी, वहीं 3000 मीटर तक बर्फबारी होने की भी संभावना है।
19, 20, 21 ये तीन दिन जो आगे भी हैं तो इसमें भी जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो उत्तराखंड में बनी रहेंगी। कल आप ये कह सकते हैं कुछ जगहों तक में एक्टिविटी मिलने की संभावना है, लेकिन 20 तारीख में जो है फिर से आप देखेंगे ज़्यादातर जगहों में या अनेक जगहों तक में जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हल्की से मध्यम वो रहेगी। 21 तारीख में भी थोड़ी कम हो जाएगी एक्टिविटी, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि जो है कुछ जगहों में जो है हल्की मध्यम जो है जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो रहने वाली है। उधर लक्सर में एक मकान पर आकाशीय बिजली गिरी है। दाब की माहेश्वरी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से काफी नुकसान हुआ है। मकान में लगे बिजली के सारे उपकरण जल गए हैं। वहीं मकान की छत पर दरार आ गई है। इसके बाद से परिवार खौफ के साए में है। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। ये परियोजना 125 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 17 सुरंगें हैं। इन सुरंगों की कुल लंबाई 6.2 किलोमीटर है। इस रेल लाइन पर 17 सुरंगों के अलावा 35 पुल बनाए जाने हैं। 2024 तक सिविल के सभी काम पूरे होने की संभावना है। इसके बाद यहाँ पटरी बिछाने का काम शुरू हो जाएगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का नाम तो आपने सुना ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उनमें ये परियोजना उनमें से एक है। और मैं इस समय यहाँ पर खड़ा हूँ, लक्समोली एक छोटा रेलवे स्टेशन यहाँ पर पड़ेगा और मेरे पीछे जो डायरेक्शन है उधर से श्रीनगर से ये ट्रेन आएगी, श्रीनगर की तरफ जाएगी सॉरी। तो ये आप देख सकते हैं ये टनल तकरीबन 2900 मीटर यानी 3 किलोमीटर के आसपास लंबी है। ये उसी रेल परियोजना के लिए बन रही है। और हमारे साथ गोयल साहब हैं, गोयल साहब इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं तो गोयल साहब से बात करते हैं, वो थोड़ा सा जानकारी देंगे। हम यहाँ जो खड़े हैं इससे अलकनंदा से पहले जनासू रेलवे स्टेशन है जनासू, इसके बाद हम इससे निकलेंगे आगे जाके मलेथा में, तो मलेथा में स्टेट रेलवे स्टेशन होगा। ये नेटम मेथड से बनती है, इसके बाद में फिर फाइनल लाइनिंग आएगी, इसमें कॉन्क्रीट होगा रेनफोर्समेंट के। अब तक ये काम यहाँ पर आप लोग पूरा करने की संभावना है, क्या टाइम लिमिट? ये 2024 तक हम इसको पूरा फिनिश करने के प्रोग्राम है हमारा। चूँकि काम काफ़ी जोखिम भरा है, उनकी सेफ्टी के लिए सारे आपने इंतजाम किस किस तरह से? हाँ, पूरा सेफ्टी डिपार्टमेंट है यहाँ पे, पूरा यहाँ पे जो वाच प्रोजेक्ट को देखता है अपना टेक्निकल है, पीएमसी है, उनका सेफ्टी डिपार्टमेंट हर एक्सपर्ट उनका है यहाँ पे। अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों पुलकित, सौरभ, अंकित को पहली बार कोटद्वार की अपर जिला कोर्ट में पेश किया गया। 28 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होनी है। हालांकि तीनों आरोपियों में से दो आरोपियों की बेल याचिका भी खारिज हो गई। सौरभ भास्कर की जमानत याचिका कोर्ट पहले ही खारिज कर चुकी है। पेशी के दौरान कोर्ट के बाहर पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। बनना था न्यायालय द्वारा आरोप तय किए जाने थे, तीनों को इसीलिए कोर्ट में पेश किया गया था और तीनों के खिलाफ जो माननीय न्यायालय ने 302, 201 और 354 छेड़छाड़ और देह व्यापार अधिनियम के तहत चार आरोपित किए, उन्होंने उनकी इसमें से अंकित और भास्कर के खिलाफ 354 नहीं लगी है, बाकी सबके खिलाफ सभी धाराएं लगी है। देहरादून में सोशल मीडिया पर मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लड़कियां आपस में मारपीट करती नजर आ रही हैं। ये लड़कियां एक दूसरे को लात घूसों से मारती दिख रही हैं, बाल खींचती दिख रही हैं। सहारनपुर चौक के पास का वीडियो बताया जा रहा है। लड़कियों के बीच कोई आपसी विवाद था, अपना मसला था, लेकिन विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गया। और देखिए आप यहां पर एक दूसरे को पीटती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड में फायर ब्रिगेड की स्थिति ठीक नहीं है। आलम यह है कि विभाग के पास ना तो पूरे संसाधन है ना ही कर्मचारी है। हालत ये तब है जब उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, यहाँ आगजनी की घटनाएं होती रहती है। फायर ब्रिगेड उत्तराखंड का एक बड़ा महकमा जो आगजनी के समय सबसे पहले मोर्चा संभालता है। इतना अहम विभाग होने पर भी फायर ब्रिगेड की हालात खराब है। फायर ब्रिगेड विभाग कर्मचारियों के साथ ही वाहनों की कमी से भी जूझ रहा है। अग्निशमन विभाग में फायरमैन से लेकर बड़े अधिकारियों तक के पद खाली है, जबकि राज्य में फायर सीजन चल रहा है। गर्मी के मौसम में उत्तराखंड में आगजनी की काफी घटनाएं होती हैं, मगर इससे निपटने के लिए फायर ब्रिगेड के पास संसाधनों की कमी है।
445 जो है फायरमैनों की जो है सीधी भर्ती की रिक्ति के सापेक्ष जो है कार्रवाई प्रचलित है उनकी नियुक्ति की, वो एक काफ़ी बड़ा गैप है। जो हमारा डायरेक्ट वर्किंग हैंड है वो अभी 50% ही है। और जहां तक हमारे अधिकारियों की बात है, जो परिवेक्षण अधिकारी हैं या जो स्टेशन इंचार्ज है, उसमें 24 जो है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी FSSO फायर स्टेशन सेकेंड ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट का सीधी भर्ती का चल रहा है। और चीफ फायर ऑफिसर जो हमारे जनपद के नोडल ऑफिसर हैं इसमें फायर सर्विस के, उसमें भी 9 सैंक्शन पोस्ट है हमारी, जिसमें से 4 ही अवेलेबल है, 5 अभी देखते चल रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और मशीनें भी काफी पुरानी हो चुकी हैं। फोम और पानी वाले फायर टैंकर की 98 गाड़ियां हैं, लेकिन इनमें से करीब 50 गाड़ियां ऐसी हैं जो 18 साल से ऊपर यानी कि अपनी उम्र को पार कर चुकी है। उत्तराखंड में गर्मी का सीजन है, गर्मी के मौसम में जंगलों में आग लगती है, लेकिन फायर सर्विस के पास संसाधनों की कमी है। देहरादून से ABP गंगा के लिए रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र से पलायन बड़ी समस्या है। इसी बीच टिहरी से अच्छी खबर आई है। सिमल्थ गांव में ग्रामीण रिजर्व पलायन कर रहे हैं। इस गांव में 3 साल पहले प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जुड़ने के बाद लोगों का रिजर्व माइग्रेशन हुआ है। कई दशक पहले गांव छोड़कर जो लोग गए थे उनकी घर वापसी का वो मन बना रहे हैं। माफ कीजिए, यहाँ पर रिवर्स पलायन यानी पलायन का उलट, जो लोग पलायन कर चुके हैं उन्हें वापस घर आने का अब मन बनाने का मौका मिला है, क्योंकि सड़क बनने से सुविधाओं का रास्ता खुला है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।